Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंघिया, तो आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति से बड़ी खबर आ रही है। जी हां, बात करें तो बाहुबली माफिया खूंखार के तौर पर जाने जाने वाले अतीक अहमद को राज्यपाल हत्या केस के मामले में दोषी करार दिया गया है और अब उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। यानी कि अब जब तक जिंदा रहेगा अतीक अहमद, तब तक वो जेल में बना रहेगा। इस बीच बातें होने लगी है कि क्या वो गुजरात के साबरमती जेल में जाएगा या फिर उत्तर प्रदेश के जेल में ही रहेगा। तमाम तरीके की चर्चाएं होने लगी। आज हम बात करेंगे कि आखिरकार अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिलने के बाद क्या होने वाला है। दरअसल बात करें तो 2006 के उमेश पाल अपहरण कांड में दोषी साबित होने के बाद माफिया अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अतीक के अलावा दो अन्य दोषियों को भी उम्र कैद की सजा दी गई है। साथ ही इन तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जो उमेश पाल के परिजन को दिया जाएगा। हालांकि कोर्ट ने अतीक अहमद के भाई अशरफ व अन्य 7 आरोपियों को दोष मुक्त करा दिया है, लेकिन इस बीच चर्चा है कि क्या अतीक अहमद को वापस साबरमती जेल लाया जाएगा या फिर सजा होने के बाद वह नैनी सेंट्रल जेल या फिर उत्तर प्रदेश की किसी जेल में रखा जाएगा। इन चर्चाओं को अगर तथ्यों के लिहाज से परखे तो अतीक अहमद के वापस साबरमती जेल जाने की संभावनाएं कम होती दिख रही है। माफिया अतीक अहमद की अब साबरमती जेल वापसी की राह पर आसान नहीं होगी। केवल इसी सजा के कारण नहीं बल्कि कुछ और भी वजह हैं। उमेश पाल अपहरण केस में मंगलवार को सजा का ऐलान होने के बाद अतीक की मुश्किलें और बढ़नी तय मानी जा रही है। दरअसल अतीक को उमेश पाल अपहरण कांड के बाद राजू पाल हत्याकांड में भी सजा सुनाई है जानी है। मामले की जांच सीबीआई के अधिकारी कर रहे हैं। सूत्रों को बताया अगले 1 माह में राजू पाल हत्याकांड के दोषियों को सजा सुनाई जा सकती है। प्रयागराज आने के बाद पुलिस उमेश पाल के हत्या के मामले में अदालत में अर्जी देकर अतीक को कस्टडी लेने की पूरी कोशिश में है। फिर कस्टडी रिमांड पर लेने के लिए दोबारा अदालत जाएगी। इस दौरान उससे पूछताछ भी की जाएगी। इस प्रक्रिया में करीब 1 महीने का वक्त लग सकता है। इसके बाद राजू पाल हत्याकांड पर बड़ा फैसला आने की उम्मीद है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड के बाद राज्य सरकार अतीक के खिलाफ दर्ज मुकदमों की मजबूत से पैरवी करने में जुट गई है। अभियोजन निदेशालय खुद हर मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। ऐसे में हालत में अतीक की गुजरात वापसी की राह आसान नहीं दिख रही है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।